D, set D, which is the last of 2017, last set है. और जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड इज तो वो बहुत ही सिंपल है. एसिटिक एसिड होता है हमारे पास CH3COOH, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा इथेनोइक एसिड, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मिथेनल होगा, टू पेंटेनोन होगा, इथेनोइक एसिड होगा, मिथेनोइक एसिड होगा. तो दिस इज सी ऑप्शन इन द सेट डी. सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, कौन है, विच इज मोस्ट एसिडिक, वो किस किस में. फर्स्ट वन इज बेंजोइल अल्कोहल, एक्चुअली दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बी जो है वो है साइक्लोहेक्सेनॉल, तीसरा जो है वो है फिनोल, और चौथा है मेटाक्लोरोफिनोल, तो बेंजाइल अल्कोहल में देखिए ये आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका जो है, सॉरी ये नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये आपका फिनोल है, और ये आपका है मेटाक्लोरोफिनोल. इन सब में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अगर मैं थोड़ा सा ऑर्डर अगर आपको बताऊं तो ये वाला जो है, दिस वन इज मोर एसिडिक, बिकॉज फिनोल से ज्यादा एसिडिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है. तो पैरा पे अगर ये क्लोरीन होता तो और भी ज़्यादा एसिडिक होता, फिलहाल यहाँ पे क्लोरीन मेटा पे है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा. फिर उसके बाद अल्कोहल आता है, और अल्कोहल से कम वो होते हैं जो नॉन एरोमेटिक होते हैं. देखिए OH इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच विद बेंजीन, अगर OH डायरेक्टली अटैच होता तो ये भी ज़्यादा एसिडिक होता. फिर ये हमारे पास विदाउट वो है, तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और यहाँ पे जो एसिडिक ये वाला इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो सबसे कम ये होगा, फिर हमारे पास ये होगा. तो नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें मोस्ट एसिडिक पूछा है तो योर आंसर विल बी मेटाक्लोरोफिनोल. अगला है स्ट्रोंगर बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा हाइड्रोजन फ्रोम, क्वेश्चन है ए स्ट्रोंगर बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट एन अल्फा एच फ्रोम, नंबर एक कीटोन, नंबर दूसरा एल्कीन, नंबर तीसरा है एल्केन, और नेक्स्ट वन जो है वो है अमीन. तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जो स्ट्रोंगर बेस होता है वो अल्फा हाइड्रोजन को कहाँ से निकाल के ला सकता है, तो ऑफ कोर्स कीटोन से निकाल के ला सकता है. क्यों निकाल के ला सकता है कीटोन में से, क्योंकि कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है, और उसके पास वाले जो भी कार्बन है उस पर लगे हुए हाइड्रोजन का एसिडिक बिहेवियर होता है, यानी अल्फा एच जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं. तो दैट्स वाई इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट इज राइट. ये आपके पास तीन क्वेश्चन थे एक एक नंबर के. अगला जो क्वेश्चन है वो है दो दो नंबर के, और उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. तो आइए देखते हैं, ओके, व्हाट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, ये आपके पास क्वेश्चन है. डी मतलब निकलना हाइड्रो, हाइड्रोजन, हैलोजन, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हेलो एल्केन है CH3CH2Br,
अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक KOH के साथ जब ट्रीट करता हूँ तो यहाँ से Br और यहाँ से H, यानी मेरे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और जो HBr है वो इसे कंबाइन करेगा, तो इट विल फॉर्म KBr प्लस H2O। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं व्हेन हैलोएलकेन्स आर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, दैट इज यू कैन से हैलोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द बीटा पोजिशन विल बी इवोल्ड आउट फॉर्मिंग एन एल्किन एंड दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल है CH3CH Br CH3, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ किया तो यहाँ से आपके पास निकलेगा एंड इट विल फॉर्म CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। अभी सोचने वाली बात यह है, वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल देनी नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि होता क्या है और दो रिएक्शन आप दे सकते हो। वैसे ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, अल्कोहल और KOH कंबाइन करते हैं, और अल्कोहल और KOH कंबाइन करेंगे तो यू शैल गेट अल्कोक्साइड आयन और H2O। ये जो अल्कोक्साइड आयन है ये एक स्ट्रोंग बेस है, स्ट्रोंग बेस, और ये स्ट्रोंग बेस अब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन, यानी इसमें से H और Br, ये जो स्ट्रोंग बेस है ये यहाँ से इस पर अटैक करता है, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, और इस प्रकार से आपकी रिएक्शन हो जाती है। ये वाला इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो हो जाएगा ROH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में Br नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अगला है डिस्कस नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलोजन, यानी जो हैलोजन में CX बॉन्ड है उसके नेचर के बारे में आपको बताना है, यानी हैलोजन के अंदर जो RX बॉन्ड है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है सपोज, तो क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड इट इज पोलर इन नेचर। तो डिस्कस नेचर ऑफ, दो नंबर का है ये CX बॉन्ड इन हैलोजन्स, यानी CX बॉन्ड इन हैलोजन्स, यानी हैलोजन्स में, यानी इसमें CX बॉन्ड आपको बताना है, तो ऑफ कोर्स इट इज कोवेलेंट बॉन्ड और इट इज पोलर इन नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो तीन नंबर में है, व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल क्या होते हैं, वेरी सिंपल, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल, एंड व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में सोचिए ये कौन सा अल्कोहल है, इसकी टाइप आपको सोचनी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि OH जिस कार्बन पे जुड़ा है, अगर वो कार्बन अनदर किसी कार्बन से जुड़ा है, अनदर किसी वन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे देखिए ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, इट इज कनेक्टेड विद अनदर वन कार्बन, यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा है एंड दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद अनदर टू कार्बन, यहाँ पे ये जो कार्बन है OH जुड़ा है इस कार्बन से एंड दिस इज अनदर अटैच्ड विद थ्री कार्बन, तो दिस वन इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यानी होता क्या है, वेहन OH ग्रुप इज, या यूं कहें द कार्बन टू विच, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, द कार्बन टू विच OH इज अटैच्ड एंड दैट कार्बन इफ अटैच्ड विद थ्री कार्बन देन टर्शरी टू कार्बन, सेकेंडरी वन कार्बन, प्राइमरी नो कार्बन तो भी प्राइमरी, जैसे CH3O
एच, ये भी प्राइमरी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो OH ग्रुप जो है वो इससे जुड़ा है और दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ओनली वन कार्बन, इसलिए ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। अगला है डिस्कस द डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यानी अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है डिस्कस द डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रो ग्रुप होता है, मान लीजिए यहां पे मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है, सपोज अनडबल बॉन्ड ओ और ओ, ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑफ कोर्स मेटा डायरेक्टिंग होता है। ऐसा क्यों होता है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है ये और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है? तो मैंने आपको बताया था डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन होते हैं, जो इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, कैसे करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे, क्या बना अगला स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर बना आपके पास यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये एज इट इज है और डबल बॉन्ड एन ओ और ओ, यहाँ आप ऐसे कर सकते हो। फिर अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बनेगा, अब की बार क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और डबल बॉन्ड एन ओ ओ और ये वाला नेगेटिव, अगली बार फिर ये वाला यहाँ पे आएगा, क्या बना भाई, ये बना मेरे पास पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव और ओ, फिर उसके बाद ये वाला वापस और ये वाला यहाँ पे और मेरे पास बना एन डबल बॉन्ड ओ। देखिए ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज देयर ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, जबकि कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट, सॉरी प्लस आर नहीं है ये, दिस इज माइनस आर इफेक्ट, दिस इज माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो माइनस आर, नीचे की तरफ आता है तो प्लस आर। तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से क्या कर रहा है, ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इसमें लिखना है डिस्कस द डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। अरे मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, तो डीएक्ट, सबसे पहले कॉज ऑफ डीएक्टिवेशन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है। नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ड्यू टू माइनस आर इफेक्ट इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग मेकिंग इट डीएक्टिवेट, सो डीएक्टिवेटिंग। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या ड्यू टू डीएक्टिवेशन इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, या यूं कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप लगा लो या CH3+ लगा लो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जाएगा वो एटलीस्ट ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव है। दूसरा यहाँ पे मेटा रहा, मेटा पे भी नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ कुछ कम चार्ज है, यहाँ अटैक कर सकता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे अटैक करेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ नाइट्रो ग्रुप की, यहाँ नाइट्रो बेंजीन है, अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ, सपोज मैंने रिएक्ट करवा दिया Br2 इथेनोइक एसिड, तो आपके पास जो मिलेगा वो होगा NO2 और मेटा पे आपको मिलेगा Br, तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन इसने ये पूछा है कि डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ नाइट्रो, तो रेजोनेंस बनाने हैं आपको, और रेजोनेंस की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एज कंपेयर टू ऑर्थोइड पैरा एट मेटा पोजिशन, दैट्स वाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू कन्वर्ट,
यानी आप किस प्रकार से कन्वर्ट करें, यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला है हमारे पास CH3COOH और इससे आपको बनाना है CH3CH3। तो मैं साथ साथ बना देता हूँ। देखिए इथेनोइक एसिड को डायरेक्ट एल्केन में अगर कन्वर्ट करना है तो HI रेड फास्फोरस इज द बेस्ट रिजेंट, HI रेड फास्फोरस। सेकंड जो है आपका CH3COOH और इससे बनाना है आपको इथेनॉल। तो देखिए जब कार्बोक्जिलिक से डायरेक्ट अल्कोहल बनाना है सेम कार्बन का तो रिडक्शन होता है और LiAlH4 हम इसमें यूज़ करते हैं। अगला जो तीसरा है आपका वो है C6H5COOH विच इज़ बेंजोइक एसिड और इसमें आपको बनाना है C6H5BrCOOH। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये जो है ये होता है हमारे पास COOH बेंजोइक एसिड और Br जो है वो लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, क्योंकि आपको पता है जब COOH होता है तो Br मेटा पे ही जाता है। तो इसको लगाने के लिए यू विल ट्रीट इट विद Br2 अफी Br3। अगला ये 3 मार्क्स का था आपका, 2 मार्क्स का है व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ CO2, इवोल्यूशन ऑफ CO2 यानी जिसमें CO2 निकलता है उसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कैसे, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और इसको ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, अन्य OH प्लस CaO के साथ इसके साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से निकल गया अन्य 2CO3 और मेरे पास बना CH4 प्लस अन्य 2CO3 और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और इसके जो 5 मार्क्स का था ये पूरा कंप्लीट 3+2, इसके और में जो है वो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कुछ रिएक्शन गिवन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसको ट्रीट कर दिया मैंने H2O डाइल्यूट H2SO4 और HGSO4 इसके साथ। तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में, तो H2O जो है वो एक जगह H जाएगा एक जगह OH तो इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पे और मेरे पास बना CH3CHO, इसको हम बोलते हैं टोटोमरिजम, टोटोमरिजम। नेक्स्ट जो दूसरा है वो है CH3C डबल बॉन्ड OH और इसको ट्रीट करना है HCN के साथ। तो देखिए CN जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है जो कि यहाँ पे अटैक करेगा और ये वाला यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव आने की वजह से H यहाँ पे चला जाएगा फॉर्मिंग इट CN यहाँ पे OH एच। अगला है आपके पास तीसरा HCHO जो है फॉर्मिक एसिड, इसको ट्रीट किया KOH के साथ। तो देखिए KOH के साथ जब फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करते हैं या ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिस पे अल्फा एच नहीं है तो एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। और अगला है बहुत ही सिंपल सा, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिपेयर RCOOH फ्रॉम नंबर 1 अल्कोहल एंड सेकंड 1 इज नाइट्राइल। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्कोहल से हम ये वाला कैसे बनाएंगे, तो इट्स वेरी सिंपल, जैसे मान लीजिए CH3CH2 या यूं कहें हम RCH2OH है, इसको अल्कलाइन के MnO4 के साथ करेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल वी कैन गेट दिस RCHCOOH और नाइट्राइल होता है हमारे पास RCN, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं
वी शैल गेट आर सी ओ ओ एच, आर सी ओ ओ एच। सो दिस इज द कंप्लीट पेपर, बहुत ही ईजी सा है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो सेट डी दैट इज ए टू डी वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ।